नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, पंजाब में ITI के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है। जिस कैंडिडेट ने पंजाब की किसी भी ITI में एडमिशन लेनी है, वो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में क्यूरी है कि पंजाब में ITI की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की क्या तारीख है, चॉइस फिलिंग की क्या डेट है और उसका रिजल्ट कब आएगा। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आपको ले चलता हूँ पंजाब ITI की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें फर्स्ट काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की डेट 1 जून से 19 जून तक है। आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जून से 19 जून तक करवा सकते हैं। फिर 5 जून से 20 जून तक आपकी ITI द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगी, उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, तो आपके पास 6 जून से 21 जून तक आपके ID पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने की ऑप्शन आएगी। आप अपनी पसंदीदा ट्रेड चुन सकते हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट 23 जून को आएगा और जो कैंडिडेट रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनको ITI में 24 जून से लेके 30 जून तक विजिट करना होगा। अगर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो 30 जून तक रिपोर्ट नहीं करते, तो उनको कैंसिल किया जाएगा, उनकी सीट सेकंड काउंसलिंग के लिए काउंट की जाएगी। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग 24 जून से 2 जुलाई तक चलेगी। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ITI पंजाब एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। आओ दोस्तों, आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक Gmail ID, कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पंजाब रेजिडेंट का सर्टिफिकेट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपकी 8th, 10th और प्लस टू की मार्कशीट, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी कॉपी भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ITI पंजाब एडमिशन के लिए आगे की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।